हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे हॉबी क्लास की, फिर होंगी आपकी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और एंड में हमारे सेगमेंट छू लो आसमान में बात करेंगे महिला अचीवर की। आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अब आप इस चमकदार एम्बोस्ड कार्डस्टॉक को कलर करें। अगर आपने कोई भगवान जी की मूर्ति बनाई है तो भगवान जी को गोल्डन, रेड और ग्रीन कलर से पेंट करें। आप चाहें तो प्लाजो पैंट्स कलरफुल ट्राई करें, यह आपकी स्टाइल को काफी एनहांस करता है। आप चाहें तो शेडेड कलर भी ट्राई कर सकती हैं। रजनी ने अपने पिता से प्रेरणा पाकर शुरुआत में अन्वेषक का कार्य शुरू किया और वहीं से इन्वेस्टिगेशन के दांव पेच सीखने लगी। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो है हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें फॉलो करके आप अपने टाइम को एक यूजफुल वे में स्पेंड कर पाएंगी। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारी आज की इस हॉबी क्लास में। कुछ सीखना सिखाना, कुछ करके नया बनाना और बना के घर के कोने कोने को सजाना, ये कला हर गृहिणी के अंदर होती है। बस जरूरत है इस कला को पहचान कर अपनी सतरंगी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने की। अगर आपको है रंगों से खेलने का शौक या फिर आप कुछ नया सीखने की चाहत रखती हैं, तो आज की हॉबी क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सीखेंगी एम्बोस्ड पेंटिंग बनाने का आसान तरीका, जिसे आप अपने घर को दे सकती हैं एक नया और अट्रैक्टिव लुक। आइए जानते हैं एम्बोस्ड पेंटिंग के लिए आपको किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक लिफाफा या एम्बोस्ड फ्लैप कार्ड चाहिए, जिसपे आपको पहले से ही डिजाइन बनी हुई मिल जाएगी। और अगर आप कार्ड तैयार करें तो आप अपने सामने एक जगह चटाई की तरह रद्दी कागज का एक बड़ा टुकड़ा सेट करें और फिर कागज के बीच अपने कार्ड स्टॉक रखें। और अब आप एम्बोज फिल्टर की ओर डिजाइन बनाएं और कार्ड स्टॉक को बाहर करें। अब आप देखेंगी कि आपकी डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप उसे किसी हल्के गरम प्रेस से बराबर करें, जिससे आपका डिजाइन उभर कर बाहर आ जाए। जैसा कि आप देख रही हैं, हमारा एम्बोस्ड कार्ड स्टॉक डिजाइन के साथ तैयार हो गया है। अब इसकी उभरी हुई सतह पर आप पाउडर छिड़क कर उसे कलर करने के लिए उपयुक्त बनाएं। अब आप इस चमकदार एम्बोस्ड कार्ड स्टॉक को कलर करें। अगर आपने कोई भगवान जी की मूर्ति बनाई है तो भगवान जी को गोल्डन, रेड और ग्रीन कलर से पेंट करें। और अगर आपने कोई सीनरी या कोई फूल बनाए हैं तो आप उसे वैसा पेंट कर सकती हैं। ये आपकी एम्बोस्ड पेंटिंग को और भी खूबसूरत बना देगा। खैर, ये तो रही आपके पसंदीदा रंगों की बात, आप जो कलर चाहें अपने एम्बोस्ड पेंटिंग में भर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसे और सुंदर और अट्रैक्टिव लुक देने की, जिससे आपकी पेंटिंग का लुक और सुंदर हो जाएगा और एम्बोस्ड कार्ड स्टॉक तैयार करने का आसान तरीका। आप चाहें तो कार्ड की जगह स्टेंसिल पर अपना डिजाइन बना सकती हैं। इससे आपका कार्ड बांधने में आसानी होती है और स्टेंसिल पर आपका कार्ड सुंदर भी बनता है। आप अपने हाथ से अपने कार्ड एम्बोस फिल्टर पर अपनी उभार पेंसिल का इस्तेमाल करें और स्टेंसिल के आंतरिक किनारों के आसपास दबाव बनाएं। ये अंदर प्रेस करने से आपको गर्म प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डिजाइन ऐसे ही उभर आएगा। तो देखा आपने, एम्बोस्ड पेंटिंग करना कितना आसान है। आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में लगा सकती हैं। तो देर न करें, जल्द ही एम्बोस्ड पेंटिंग बनाएं। तो ये थी हमारी आज की हॉबी क्लास, जिसमें दिखाई हुई चीजों में से आप अपनी मनपसंद चीज को करके अपने टाइम को एक यूजफुल वे में स्पेंड कर सकती हैं।
अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। आप चाहें तो प्लाजो पैंट्स कलरफुल ट्राई करें, ये आपकी स्टाइल को काफी एनहांस करता है। आप चाहें तो शेडेड कलर भी ट्राई कर सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी सेगमेंट की तरफ। खूबसूरती एक ऐसा एहसास होता है जिसे हर महिला अलग अंदाज से पेश करती है, और अगर आप खूबसूरती के साथ स्टाइल को कैरी करती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम एक ऐसे ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बताएंगे जिसे हम वेस्टर्न स्टाइल मानते हैं। प्लाजो पैंट्स एक ऐसा ही स्टाइल है जिसे आज के कल्चर में महिलाएं काफी पसंद करती हैं। प्लाजो पैंट्स काफी ढीली ढाली पैंट्स होती हैं, जिसे आप पार्टी वेयर और कैजुअल्स में भी पहन सकती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, प्लाजो पैंट्स आपके स्टाइल और आपके लुक दोनों को काफी गॉर्जियस बनाता है, इसलिए आप इसे शेडेड पहने, ये आपको ज्यादा स्टाइलिश बनाएगा। आप इसके साथ डिजाइनर टॉप, स्टाइलिश नेक वाले टॉप ट्राई करें, ये आप पर ज्यादा सूट करेगा। आप चाहें तो प्लाजो पैंट्स कलरफुल ट्राई करें, ये आपकी स्टाइल को काफी एनहांस करता है। आप चाहें तो शेडेड कलर भी ट्राई कर सकती हैं। आप इसके साथ डार्क मेकअप अप्लाई कर सकती हैं, जैसा कि आप देख रही हैं, आप डार्क आई मेकअप भी अप्लाई कर सकती हैं। आप रेड एंड पिंक लिपस्टिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह अप्लाई कर सकती हैं, ये आपके ड्रेस पर काफी सूट करेगा। और आप चाहें तो आप अपनी ड्रेसिंग कलर का मेकअप अप्लाई करें, ये आपको पार्टी वेयर लुक देगा। आप इसके साथ लाइट एक्सेसरीज पहने, ये आपको सिंपल एंड गॉर्जियस लुक देगा, जैसे कि आप देख रही हैं। आप नग वाले रोजाटो स्टाइल के ब्रेसलेट्स ट्राई करें, ये आपकी प्लाजो को काफी अच्छा लुक देगा। कहते हैं किसी भी ड्रेसिंग को एक परफेक्ट लुक एक फुटवेयर देता है, तो आप इसके साथ भी कुछ अच्छा सा फुटवेयर चुनिए। आप प्लाजो पैंट्स के साथ हील्स ट्राई करेंगी तो आपका लुक एक परफेक्ट लुक बन जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ बेलीज भी ट्राई कर सकती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, आप गैजेट्स में बैग या हैंड क्लच लें, ये आपको एक स्टाइलिश लुक देगा और आपकी पर्सनालिटी को और भी परफेक्ट लुक देगा। तो देर किस बात की, आप जल्दी से अपने वार्डरोब में प्लाजो पैंट्स ऐड करें और अपना ले एक स्टाइलिश एंड गॉर्जियस लुक। समर्स आ चुके हैं, ऐसे में आपका कूल फैशन स्टेटमेंट इस बार जरा हट कर नजर आए, ये तो आप जरूर चाहेंगी, लेकिन कैसे? तो उसका जवाब है आज का स्टाइल बाजार। इस बार स्टाइलिश आउटफिट के साथ ही अदर एक्सेसरीज पर भी फोकस करें, लेकिन अपनी आंखों की खूबसूरती को बचा कर रखना बिल्कुल न भूलें। और जब बात आई केयर की हो तो सन रेजेस से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन गॉगल्स को सिलेक्ट करें। अगर आप आई केयर करते हुए अट्रैक्टिव भी दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के गॉगल्स भी लेने होंगे। और जब आपने अपनी इस जरूरी और स्टाइलिश एक्सेसरीज की शॉपिंग करने का मूड बना ही लिया है, तो हम आपको बता दें कि इस बार गॉगल्स किस तरह के हॉट लुक्स में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले बात शेप एंड डिजाइन की।
ट्रेंडी शेप्स की बात करें तो इस बार भी राउंड शेप अलग अलग साइज में लोगों को अट्रैक्ट करते नजर आएंगे। इसके अलावा डेकोरेटेड गॉगल्स भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, जिनमें डेकोरेटेड फ्रेम पर आपको प्लास्टिक फ्लावर्स की डिजाइन भी नजर आएंगी, यानी फ्रेम पर भी फ्लोरल पैटर्न छाया रहेगा। अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं तो उसके लिए 80s या 90s से इंस्पायर्ड बोल्ड शेड्स के गॉगल्स ट्रेंड में इन हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ट्रेंडी एंड कलरफुल गॉगल्स को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि यू कैन चूज हॉट पिंक्स, सी फॉर्म ग्रीन्स, लेमन येलोज एंड शेड्स ऑफ ब्लू। इस बार समर में आपके लिए फैशनेबल गॉगल्स एंड गॉगल्स की वेरियस रेंज अवेलेबल है, जैसे कि कूल मिरर्ड सनग्लासेस आर ऑलरेडी पॉपुलर इन द फैशन वर्ल्ड। दीज रिफ्लेक्टर गॉगल्स आर आइडियल फॉर द मॉडर्न डे गर्ल। अगर आप बड़े और थोड़ा फंकी गॉगल्स लाइक करती हैं, तो इस बार ओवरसाइज ज्योमेट्रिक शेड्स भी धमाल मचा रहे हैं। इसके साथ ही आपके लुक को सुपरस्टार लुक बनाने के लिए मेटलिक डेकोरेटेड फ्रेम्स का टशन भी बरकरार है। कलर्ड ग्लासेस की बात करें तो आप ब्यूटीफुल ग्रीन या इस तरह के हल्के और कूल इफेक्ट वाले ग्लास चुन सकती हैं। लेकिन कलर का चुनाव अगर आप अपनी ड्रेस और स्किन कॉम्प्लेक्शन के अनुसार करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों कैट आई गॉगल्स का भी ट्रेंड फैशन वर्ल्ड में सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इस लुक के साथ भी खुद को कुछ अलग और खास बना सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो समर फैशन सीजन में इस बार गॉगल्स की काफी अट्रैक्टिव रेंज अवेलेबल है। लेकिन कोई भी गॉगल ट्राई करते समय आप अपनी आईज के साथ ही ड्रेसिंग एंड पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखें, ताकि आप नजर आए कुछ इस तरह। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। रजनी ने अपने पिता से प्रेरणा पाकर शुरुआत में अन्वेषक का कार्य शुरू किया और वहीं से इन्वेस्टिगेशन के दांव पेच सीखने लगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है छू लो आसमान, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला अचीवर की स्टोरी जिन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं कौन है हमारी आज की महिला अचीवर। अपनी आंखों में अपने सपने पूरा करने का हौसला और खुद को साबित करने का हुनर और जिंदगी की पगडंडियों पर चलने का निश्चय करके चलने वाली हमारे आज की विमेन अचीवर अपने शार्प माइंड से हर सच की तह तक पहुंचना जानती हैं। हम आज अपने इस स्पेशल सेगमेंट में एक ऐसे अचीवर की बात करेंगे जिन्हें महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला इन्वेस्टिगेटर कहा गया और जो भारत की सबसे प्रसिद्ध जासूस के रूप में जानी जाती हैं। अब आप पहचान ही गई होंगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला जासूस रजनी पंडित की। रजनी पंडित का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पालगढ़ में हुआ था। इनके पिता शांताराम पंडित मुंबई पुलिस के साथ आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेटर थे। रजनी ने अपने पिता से प्रेरणा पाकर शुरुआत में अन्वेषक का कार्य शुरू किया और वहीं से इन्वेस्टिगेशन के दांव पेच सीखने लगी और 1983 में इन्होंने जासूसी की दुनिया में पहला कदम रखा। इन्होंने मुंबई रूपरल कॉलेज से मराठी साहित्य का अध्ययन भी प्रारंभ किया और साथ ही 1983 में ही इन्होंने अपना सबसे पहला केस सुलझाया और मानो तब से इन्हें अपने सपनों को साकार करने का रास्ता मिल गया। रजनी ने सबसे पहला केस अपने कॉलेज में हल किया। अपने कॉलेज में पहला मामला हल करते ही इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना प्रारंभ किया और जासूसी को ही
अपना पेशा बना लिया। इनका मानना है कि जासूसी के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस अपने काम के प्रति एकाग्रता, मेहनत, संघर्ष, गहन अध्ययन और समर्पण की आवश्यकता होती है। रजनी अपनी खुद की एक जांच एजेंसी भी चलाती हैं। इन्होंने 2010 में एक मुहिम के तहत 30 जासूसों के साथ मिलकर काम किया और एक महीने में 20 मामलों को निपटाया, जिसके लिए इन्हें काफी सराहना भी मिली। जबकि इससे पहले 1998 में इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई भेष बदल कर भी काम किया और कई केस को सुलझाया, जैसे घरेलू समस्या, कंपनी जासूसी, लापता लोगों की हत्या और विदेशों में अपनी जासूसी के तहत कई रोल निभाए, कभी अंधी औरत का तो कभी गर्भवती महिला की भूमिका निभाई। और इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने एक केस को सुलझाने के लिए 6 महीने तक एक घर में नौकरानी का काम भी किया। क्या आप जानती हैं रजनी एक जासूस होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं? इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी पहली पुस्तक Faces Behind Faces, जिसके लिए इन्हें दूरदर्शन से हीरकानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है मायाजाल। रजनी को ऊपर मिले पुरस्कारों के अलावा 6 और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। फिर इन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड शीर्षक से दिनकर राव द्वारा नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें कई और सम्मानों से भी नवाजा गया और इन्होंने अपने हिस्से का आसमान खुद चुना। वो कहते हैं ना, ये जिंदगी उसी की है जो जिंदगी का हो गया। रजनी पंडित भी अपनी लाइफ की एक रियल इंडियन विमेन है, जो आज सभी यंगस्टर्स की प्रेरणा बनी हुई है। तो ये थी हमारी आज की महिला अचीवर, और हम उम्मीद करते हैं इनसे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती है ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।